फटाक खबरें 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। क्या उम्मीद है? साथ में साथ इस बार फिर शूट करेंगे हम लोग, साथ के साथ पूरी सातों के साथ जीतेगी भाजपा। इस बार पार्टी हिली हुई है, आपके इतने कॉन्फिडेंस की क्या वजह? पार्टी नहीं हिली है, हमारे यहाँ तो परमानेंट सीट है अतरौली की, तो और बीजेपी इस बार पहले से भी ज्यादा सीट लेके आएगी। जो नारा दिया था 300 पार का अमित शाह जी ने, उसको 100% पूरा करेंगे। बाकी 14 बार यहाँ से बाबूजी कल्याण सिंह का परिवार ही जीता है हमेशा, कोई मुश्किल नहीं है अतरौली में। कोई चुनौती आपको नहीं दिखती? कोई चुनौती नहीं है। इस वक्त हम अतरौली विधानसभा में हैं। अतरौली विधानसभा संदीप सिंह का क्षेत्र है। हमारे साथ राजू भैया हैं, जो कि पिता भी हैं, सांसद भी हैं, और ये खुद कल्याण सिंह के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार ने जो पद्म विभूषण का ऐलान किया है, बीती रात उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा भी गया है। स्वागत है सर आज तक में आपका। बहुत धन्यवाद आज तक का। ये बताइए कि चुनाव इस वक्त कैसा चल रहा है और कितनी उम्मीद है, कैसी जीत होगी आप? देखिए, चुनाव अतरौली में कभी मुश्किल नहीं हुआ है। इस बार भी ये मान के चलेगा कि पिछली बार 51,000 से संदीप जी जीते थे, इस बार लगभग 80,000 से यहाँ से लीड मिलेगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हमें जितने भी कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है गाँव में, और हम लगभग पूरे परिवार के लोग लगभग डेली 40 से 42 गाँव करते हैं, और एक भी गांव एक भी माजरा नहीं छूटेगा, हम पूरा कर देंगे। लेकिन आपके सामने जो कैंडिडेट हैं इस बार, वो कैंडिडेट हैं जो कि हरा भी चुके हैं पहले परिवार को, कल्याण सिंह को, तो कितना मुश्किल है आपके? एक बार केवल एक बार, बाकी 14 बार यहां से बाबूजी कल्याण सिंह का परिवार ही जीता है हमेशा, कोई मुश्किल नहीं है अतरौली में। कोई चुनौती आपको नहीं दिखती? कोई चुनौती नहीं है। लेकिन इस बार चूंकि गठबंधन सामने है, कहा जा रहा है जाट नाराज हैं, आपके इलाके में भी कम से कम जो ये अलीगढ़ है, अलीगढ़ के आसपास के इलाके में भी जाटों की अच्छी तादाद है, हम भी कई गांव घूम करके आ रहे हैं, तो इसकी नाराजगी का कितना असर? देखिए, अतरौली में तो कोई असर नहीं है, और मैं जिस गाँव में हूँ ये जाट समाज गाँव है। आज मैं पूरा गाँव, जितने भी गाँव किए हैं मैंने, जाट समाज किए हैं, हमारे सब नेता लोग खड़े हैं जाटों के, हमारे यहाँ कोई विरोध किसी तरह का नहीं है, सब भाजपा। लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अतरौली की बात नहीं करेंगे, हम आपसे इस पूरे अलीगढ़ मंडल की बात करेंगे, कासगंज, एटा, अलीगढ़, हाथरस, ऐसे जो जो इलाके हैं वहाँ पे आपको लगता है कि कुछ नाराजगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो भाजपा का वोट रहा है जाट समाज का वो अभी भी कट कर नहीं जाएगा, और अलीगढ़ में तो केवल 2 सीटें हैं, इगलास है और आपका खैर है, यहाँ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, और अमित शाह जी जब सबको बुलाए हैं तो मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। कल कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण दिया गया, आपका रिएक्शन क्या है और क्या लगता है कि ये टाइमिंग ऐसी है जिसका सियासी मकसद भी हो सकता है? नहीं, सियासी मकसद तो कुछ नहीं हो सकता, मरणोपरांत बाबू जी को पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया है, इससे पूरे अतरौली में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि इस देश में गौरव महसूस कर रहे हैं, और मैं खुद गौरव महसूस कर रहा हूँ। इस बार, पिछली बार 7 की 7 सीटें आप लोगों ने इस इलाके में जीती, इस बार आपको क्या उम्मीद? 7 में 7, इस बार फिर शूट करेंगे हम लोग, सातों के साथ जीतेगी भाजपा। इस बार जो अखिलेश यादव ने अपना कॉम्बिनेशन बनाया या राजनीतिक समीकरण बनाया, इस बार उन्होंने भी ओबीसी पर बहुत फोकस किया है, गैर यादव ओबीसी पर बहुत ज्यादा उन्होंने भी फोकस किया है, तो नुकसान कितना होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं है। देखिए, यादव समाज के लोग मैं कह सकता हूँ कि उनके साथ ज्यादातर रहते हैं, लेकिन भाजपा में भी अच्छी संख्या में यादव समाज के लोग वोट करते हैं, और इस बार भी करेंगे। मेरे यहाँ भी अतरौली में यादव है काफी, उसमें से कम 40% वोट मुझे मिलेंगे। इस बार पार्टी हिली हुई है, आपके इतने कॉन्फिडेंस की क्या वजह? पार्टी नहीं हिली है, हमारे यहाँ तो परमानेंट सीट है अतरौली की, तो और बीजेपी इस बार पहले से भी ज्यादा सीट लेके आएगी। जो नारा दिया था 300 पार का अमित शाह जी ने, उसको 100% पूरा करेंगे। कल्याण सिंह जी को जिस तरीके से नवाजा गया, आपको लगता है कि इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई इसका टाइमिंग का मतलब नहीं, उन्हें वो इसको डिजर्व करते थे, ऐसा लगता है उनको पहले दिया जाना चाहिए था? देखिए, हर चीज समय से होती है, अब मिल गया, हमें इसी में गौरव है, और बाबूजी ने पार्टी के लिए और इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया, अच्छा शासन दिया, दंगा रहित प्रदेश, भयमुक्त समाज दिया, उन्होंने एक प्रशासनिक क्षमता की दृढ़ता को साबित करके दिखा दिया, इसलिए हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सब में बाबूजी का असर था, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, और इसलिए सरकार ने ये पद्म भूषण का पुरस्कार दिया है। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम लोग। अच्छा,
आखिरी सवाल, जिस तरीके से बीजेपी को छोड़कर पिछड़े नेता निकले हैं, तीन बड़े नेताओं ने छोड़ा है, आपको लगता है इसका असर पड़ा है या नहीं पड़ा है? बिल्कुल नहीं पड़ा है। देखिए बिल्कुल नहीं पड़ा है। अगर जाना था तो दो दिन पहले क्यों गए? पांच साल तक क्यों हमारे यहाँ रहे वो? पांच साल तक सत्ता में रहने के बाद दो दिन के लिए उन्होंने सत्ता छोड़ी और इसीलिए उनको टिकट नहीं मिला? कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ थे राजू भैया, जो कि संदीप सिंह, जो इनके बेटे हैं, मंत्री हैं योगी सरकार में, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके उनका जो क्षेत्र है अतरौली अलीगढ़ का, वहां तक पहुंचे। कुमार अभिषेक, अलीगढ़।